पिपरी में जो को म्याखान गोठ है या साबू खान ये म्याखान मरी गोठ है साबू कलमती बलोच गोठ जिके उन सागर लोगों मुख्तलिफ गोठन इन में इखलाक अब्बासी चौधरी जो को है यो लैंड ग्रेवर यो जो कब्जागीर ग्रुप है इन हमेश जडे का ये इतने आबाद थो उन इतने लोकल मकामी मानों के जो को सो यो परेशान कंदो रहे तो छो तो होने जो बो भी धंधो मंशात जो है मंशात फ्रोश जेके उन्हें गुंडा असान प्लेटफॉर्म में उनके बुधाइंदा चाहूँ तो ये शूं तुझे जो से तो रास को इंदू तू मेहरबानी कर इन गाल खी वन जो न तो तुझे ला इंदड़ वक्त ढो दुख साबित ए तो को सुणंदा असान जो सो अवामी प्रेस क्लब के तसल से तक यो वार्निंग दियन चाहूँ तो तू पैं इन हरकतन का बाद अच जर न तो अस हर प्लेटफॉर्म से तोसा मुआडो अटकईंदी ए मुकाबलो कदी गोठन समेत पिपरी समेत सिंध के मुख्तलिफ गोठन में अड़ा ही लैंड ग्रेपर इंदा जेके अची उते कब्जे की कोशिश कंदा अगर उनके का रंडक केर विझंदो तो उनते कूड़ा केस उनते हमला उनके डिस्टर्ब करण अगर सब का वेंदा तो पो तो वो बाकायदा मथे अमले से मिली करे उनन गोठन के ही लैंड ग्रेपिंग करार दे करे उनन गोठन की डेमोलिश करण है किरण जी जो जिंदा मिसाल है हमर कलमती गोठ जो पान रवासी आया जो तकरीबन पाकिस्तान के तारीख का कई साल अगे जो है जिनका अस उन सबूत प्रूफ पे पेश करें तो बाबा ही सवे साल 200-300 साल पुरानो कदीम गोठ आ लेकिन को भी उन्होंने लैंड ग्रेपर के चवण से उन गोठ के डेमोलिश किया वो अस खिलाफ दहशतगर्दी के अदालत में केस दाखिल किया वह जैमें तकरीबन 10-15 दिन थे उनका बाजत बरी थी आयो तो बिल्कुल अड़ी ही तर्ज से पिपरी में भी थी रो है मुख्तलिफ़ इलाक में वो पैंजा गुंडा इस्तेमाल करे पैंजे मुंशियात जा पैसा इस्तेमाल करे मुख्तलिफ़ तरीकन सा गोठन के गोठानन के ब्लैकमेल करे उनन के वे गोठ खपायन ते मजबूर पियो करे हैं जेके मानू नथा खपायन उनन के ब्लैकमेल करे केसन में बिन जगह ते फासाए पियो असा चूंडियल निमाइंदन के बिन सबनी आला अख्तियारन के इन प्लेटफॉर्म ता या गुजारिश करण ता चाहियो ता मेहरबानी करे एड़न मानन के लगाम दिनो वने बी सूरत में मानू चवंदो आ त तंग आमद जंग आमद जद असा नंग ही दंग गैर महफूज थींदा तो उन बाद में अस कुछ भी करे सकूं था सो इन करे असा के यो तंग करे जंगला करे तैयार न कयो वने बिरा मेहरबानी इन मानू के लगाम दिनो वने अस इन प्लेटफॉर्म ता यो वाजे करण था चाहूँ तो इतने जे कदीम गोठन ही जो गोठ ज पिपरी जो जिक्र क्यों पे अस यो गोठ भी तकरीबन 75 का 76 जो है 75 जे आए तकरीबन तो मुख्य बुधायो तो जेके सुमार गोठ जेड़ा कल गोठ ठया जिनके आउं समझा तो तकरीबन 2-4 साल भी कोन थया उहे गोठ इन्हन के लीगल नजर अचन था उन बाकी जेके 75-80 साल पुराना गोठ या 200-200 साल 300-300 साल पुराना गोठ इन्हन के अनलीगल नजर था अचन जिन ते कब्जा करने की कोशिश पे कन अस उन्हन का पुछन था चाहूं तो छा वो मानू पेंजा 7 साल पुराना गोठ कदीम गोठ पेंजा दंग उहे गैर महफूज करे तवा के इते खरीदो फरोगत करने दींदा इते तवा के कारोबार करने दींदा या तवा मुंशा जो पैसो इस्तेमाल करे इए मानन के खत्म करे छींदा जद खत्म ही थणो आ तो पोछो न विड़ी खत्म थी जे सो इन करे असा उनन के वाजे करण था चाहूं तो असा जे गोठन ते ए गोठानन ते ए ब्लैकमेलिंग खत्म कन बी सूरत में असा हर महाज ते हर तरीके सा वेण ला तैयार है ये जे को इखलाक अहमद है इन जो इन दाता नगर सी को वास्तो ही कोने हमेशा कब्जा ग्रुप रहयो आ ए मनशात परोश है असा जा इते के गोठन जे को मियां खान मरी गोठा है थावर खान कलमदी गोठ साबू खान गबोल गोठ ये 1976 का स्टील मिल का मुतासर थे इन बाबे की जमीन इतने को जो इतने अची कर गोठान के मत कब्जा करे तो गुंडागर्दी करे तो अस डिप्टी कमिश्नर मलिर आई जी सिंध हुकूमत पाकिस्तान ए हाई कोर्ट का यो मुतालबो था करूँ तो बरा मेहरबानी करे इन गोठ दाता नगर की सर्वे करी वे हि कब्जा ग्रुप है का भी प्लाट भी कोने हि सिर्फ भत्ताखोरी करे तो मान के ब्लैकमेल कर भत्ता वे तो हि प्लाट मुझो हि प्लाट मुझो अस चूं डीसी मलिर के गुजारिश करूँ तो वो अचे अच्छी सर्वे करे देखारे तेने दाता नगरी जमीन ते किथे आ ये जो इखलाक अहमद पंजाबी पंजाब का आयो आ ये मनशात जो व्यापारी आ ये गुंडन के वठी करे ते गोठान दे मथा कब्जो करण जी कोशिश करियो असा उन जी सख्त लफ्जन में मज़म्मत करियो असा जेड़ो भी कंदा दी चाहे कुछ भी थी पए असा